और आप सभी का दोस्त आज के स्टूडियो में हम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से ही हम जॉब और जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो द्वारा ले रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जो जॉब्स अवेलेबल हैं रेलवे में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसमें, और RRC रेलवे जिसे हम बोलते हैं, RRC रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 के दौरान, और इसके द्वारा 1,616 वैकेंसीज है ट्रेड अप्रेंटिस के, उसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। और जिसको हम बोलेंगे कि भारतीय रेलवे में 1600 पोस्ट का भर्ती होने वाला है जो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए होगा। तो आज इस बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आज का टॉपिक है भारतीय रेल में ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती होने वाली है और उसमें कुल मिला के 1600 पोस्ट भरे जाएंगे। तो उसके बारे में हम आज इंफॉर्मेशन लेंगे। जो मेरे प्यारे दोस्त हैं उन सभी का मैं इस चैनल में, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसी के बाद ये है मेरा एकेडमिक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एकेडमिक इनसाइट्स। इसके द्वारा मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ और अब तक वो वीडियोस लेके आता हूँ। तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना है अभी तक आपने नहीं किया है। अगर किया है तो काफ़ी अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब करना है। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी आपको सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपने आप तक आ जाएंगी। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आप सभी को दरख्वास्त करूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गंवाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो RRC रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है और रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 के द्वारा किए जाने वाली 1600 वैकेंसीज का यहाँ पे भर्ती होने वाला है। 1600 वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस की, और उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। तो ये है इंडियन रेलवे का डिपार्टमेंट जहाँ पे ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, और इसके द्वारा 1600 वैकेंसीज दिए जाएंगे जो ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, और इसके लिए क्राइटेरिया काफ़ी ये है, इतना ताज़ा क्राइटेरिया है नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे आप हम कि ऑनलाइन प्रोसेस है, प्रोसेस क्या होगा अगर हमें इसके लिए अप्लाई करना है। 1600 वैकेंसीज जो है ट्रेड अप्रेंटिस की, उसके लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लीकेशन हमें करना है, वहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया है, उस पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें उसका ऑनलाइन अप्लीकेशन खुल जाएगा, वो अप्लीकेशन हमें भरना है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट है 15 से लेकर 24 तक। अगर हम इस एज के हैं तो हम अप्लाई कर पाएंगे। तो एज लिमिट है 15 to 24, 15 से लेकर 24 तक एज लिमिट के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जैसे कि मैंने बोला, ये ट्रेड अप्रेंटिस का जॉब है और इसको एज लिमिट दिया है 15 से लेकर 24 का, और कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन भी दिया है। वो पूरा नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा, एट द एंड मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, कोई बात नहीं है। तो ये है एज लिमिट और ऑनलाइन प्रोसेस। उसके बाद हम बात करेंगे कितनी टोटल वैकेंसीज़ है। टोटल वैकेंसीज़ है 1664, जिसको हम बोलते हैं 1664 वैकेंसीज़ है, जिसके लिए ये पूरा ड्राइव किया जा रहा है। और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है 12th पास प्लस ITI होना ज़रूरी है, और आपका जो भी ITI का ट्रेड है उसके हिसाब से आपको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगा। तो क्वालिफिकेशन है 12th पास होना ज़रूरी है, और साथ ही में ITI भी होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो पोस्ट है 1664 पोस्ट हैं, और उसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास प्लस ITI का जॉब होना ज़रूरी है, और आप ITI का ट्रेड किया हुआ ज़रूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्या है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 1st दिसंबर। 1st दिसंबर और 1st दिसंबर से पहले आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, याद रखिएगा। तो ये है लास्ट डेट। अब हम देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है एप्लीकेशन की, उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे हम क्लिक करके देखते हैं कहाँ पे एप्लीकेशन करना है और कैसे एप्लीकेशन करना है। तो हमें समझ में आएगा एप्लीकेशन कहाँ पे करना है। इस पे हमने क्लिक किया है, आप थोड़ी ही देर में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा कि एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ये यहाँ पे ये एप्लीकेशन वेबसाइट ओपन हो रही है, ये देखिएगा, ये है वेबसाइट जहाँ पे आपको जाके एप्लीकेशन करना है। और यहाँ पे जो दिख रहा है एक्ट अप्रेंटिस, वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन करवाना है। उसके नीचे यहाँ पे पूरा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, देखिएगा ये इन्फॉर्मेशन, अगेंस्ट एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप्स जनरल नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक हियर टू ऑनलाइन फॉर्म है, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। इस पर से हमें वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट के लिंक पे जाके क्लिक करके हमें पूरा एप्लीकेशन फिल करना है और उसके बाद ही हमें उसका बाकी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एप्लीकेशन करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो उनका रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है, ओपनिंग डेट है 2nd अक्टूबर 2021, सेकेंड नवंबर 2021। यहाँ पे ये एप्लीकेशंस भरवाना शुरू हुआ है, लास्ट डेट है 1st दिसंबर 2021, रात 12 बजे तक आप अपना, 11:59 तक आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए ज़रूरी है। और नीचे जाके यहाँ पे कैटेगरी वाइज सब कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है जो आपको यहाँ पे देखना है। ये नोटिफिकेशंस वेबसाइट पे भी अप्लीकेबल हैं, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, क्लिक हियर फॉर डाउनलोड नोटिफिकेशन, आपको अगर यहाँ पे क्लिक कर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको अभी दिखाया वो पूरा मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है इंडियन रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती, जिसको हम बोलेंगे 1664 लोगों को वहाँ पर लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन है 12th, आपका 12वीं होना ज़रूरी है और साथ ही में ITI होना भी ज़रूरी है, ये है क्वालिफिकेशन। मुझे लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरा वीडियो, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहाँ पर अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ को हम और बेहतर बना सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए इतना ही, मुझे लगता है, मुझे आशा है जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए, आगे आने वाले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।